आपका शिल्पीज किचन में स्वागत है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू। इस नवरात्रि मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाने की चटनी बॉम्ब, जो काफी स्वादिष्ट है। ये चटनी बॉम्ब साबूदाने के, आप इसे व्रत में भी खा सकती हैं और ऐसे भी खा सकती हैं। ये व्रत स्पेशल डिश है, आप इसे घर में जरूर ट्राई करें। चलिए देख लेते हैं इसे हमें बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये साबूदाना है एक कटोरी, और मैंने इसे 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। और ये देखिए कितना खिला खिला है, आप भी इसी तरह कर लें। और साथ में मेरे पास कुछ बॉईल किए हुए आलू हैं, इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी। इसमें 1 से 1.5 आलू लग जाएंगे, मीडियम साइज के ये आलू हैं, आप इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लें। ये कद्दूकस हो चुके हैं। अब मेरे पास चावल का आटा है, ये देखिए समा के चावल है, ये जो व्रत में खाए जाते हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच डाला है मीडियम साइज के चम्मच से। कुछ जीरा पाउडर डालूंगी, भुना हुआ जीरा पाउडर, और साथ में सेंधा नमक भी डाल लूंगी मैं स्वाद अनुसार। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि आलू और साबूदाने का जो मॉइस्चर होता है उसी में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और गूंथ लें। दूसरी तरफ मैंने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है चटनी के लिए। इसमें मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, 3-4 काजू लिए हैं, सेंधा नमक, ये मेरे पास किसा हुआ नारियल है, हरी मिर्च, आप अपने तीखे अनुसार हरी मिर्च ले सकते हैं, साथ में कटा हुआ धनिया के पत्ते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। उससे पहले हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे, ताकि इसका तीखा और खट्टा अच्छा लगे इसके साथ। चलिए इसे हमें मिक्स ग्राइंड करते हैं, पेस्ट बनाते हैं। हमारा ये देखिए चटनी बनकर तैयार है, और ये काफ़ी स्वादिष्ट है, टैंगी है। इसमें मैंने नींबू निचोड़ा है, देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, ये साबूदाने और आलू का मिक्सचर को। अब हाथ में हम घी अप्लाई करेंगे, ताकि साबूदाना थोड़ा सा स्टिकी होता है, चिपचिपा, जिस कारण अगर घी लगाएंगे तो ये हाथ में इतना नहीं चिपकेगा। और इसके अच्छी तरह से हम बॉल बना लेंगे, और इस तरह देखिए हथेलियों पे एक फ्लैट सतह बना लेंगे साबूदाने का। और इसमें मैंने जो चटनी बनाई है इस तरह से गोलाकार देके इसके अंदर आप फिल कर दें, और अच्छे से इसमें भरते जाएं। देखिए मैं किस तरह से भर रही हूँ, अगर निकल रहा है तो फिर से प्रेस करके फिर अच्छी तरह से इसे बंद करें, कहीं से निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो फ्राई करेंगे तो उसमें ये चटनी निकल सकते हैं। अगर स्टिकी है थोड़ा सा घी अप्लाई करके अच्छे से बॉल बना लें, ये बॉल बन जाएंगे। अगर इसे टिक्की का शेप देना चाहती हैं तो आप इसे फ्लैट भी कर सकती हैं। देखिए इस तरह से हथेलियों की सहायता से इसे, देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, इस तरह से डैप करके टिक्की का शेप दे सकती हैं। चलिए दूसरा बना लेते हैं, इसका भी प्रोसेस वही है, चटनी उतना ही भरे जितनी जरूरत हो, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा। इस तरह से बंद कर ले, देख ले कहीं से निकल नहीं रहा, अगर निकल रहा है तो वहां पे जो साबूदाने का मिक्सचर है वहां पे इसे लगा दें और अच्छी तरह से सील कर दें। ये देखिए मैंने टिक्की का शेप दे दिया, आप इसे बॉल के फॉर्म में भी बना सकती हैं। ये रेडी है फ्राई करने के लिए, बाकी का भी इसी तरह तैयार कर ले। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम साबूदाने के बने हुए टिक्कियां डालेंगे चटनी बॉम्ब। और मैंने देखिए टिक्की भी बनाई है, और साथ में इसे गोल का भी शेप दिया है, और इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। हमारे टिक्कियां गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैंने इसे पलट दिया है, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है।
आप मीडियम फ्लेम पे ही इसी तरह फ्राई कर लें और इसे बनाएं और खाएं, काफी स्वादिष्ट है। साबूदाने के चटनी बॉम्ब बनकर तैयार हैं। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये अंदर से भी उतने ही पके हुए हैं और बाहर से क्रिस्पी हैं। आपको मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। इसके अंदर चटनी काफ़ी अच्छी दिख रही है और खाने में भी उतनी स्वादिष्ट है। आपको इसके साथ चटनी खाने की जरूरत नहीं है। देखिए कितनी अच्छी तरह अंदर से पक चुके हैं। और आप सबको हैप्पी नवरात्रि।